स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज के व्लॉग में आप सुनेंगे जिला शिमला कोटगढ़ से आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार धर्मपाल भारद्वाज जी द्वारा रचित शिराई कोटी माँ की भव्य स्तुति। इस स्तुति के माध्यम से हम और आप मिलकर माँ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए आदरणीय धर्मपाल भारद्वाज जी से ही जानते हैं शिराई कोटी माँ के बारे में और उनके द्वारा रचित माँ के गुणगान में स्तुति के बारे में। नमस्कार। रामपुर तहसील में एक 12-20 क्षेत्र है, उसका पर्वत शिखर एक लगभग जो है 11,000 फीट पर है। वहाँ पर एक मंदिर है शिराई कोटी देवी का, जो हमारी कुल देवी है। इस इलाके के लोग उस देवी को जो है बहन रूप में पूजते हैं और उसे प्रथम शैल पुत्री भी कहा जाता है। इस पर जो है एक गीत या कविता है प्रस्तुत है। शैल शिखर पर माता शिराई जय कार्य ते दुर्गा दाई। दाई मतलब बहन, यहाँ इस क्षेत्र में उसे दुर्गा दाई के रूप में पूजा जाता है। शैल शिखर पर माता शिराई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई, दारणा घाटी चढ़ते जाते पैरों में आ पंख समाते, भक्तों के कुल वंश संवारे संतति पाने द्वारे आते, श्रद्धा तुझ पर गहरी माई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। पहले इस मंदिर तक चढ़ के जाना पड़ता था 11,000 फीट तक। ये जो है पूरी पहाड़ी, इसको दारणा घाटी बोलते हैं, मगर ऐसा लगता था चलते चलते जैसे शरीर में पंख लग गए हों और ऊपर जो है उड़ते हुए मंदिर तक जा रहे हों। ये मंदिर जो है संतति प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। लोग संतति की कामना के लिए ही देवी के दर्शन करने वहाँ जाते हैं। लोगों की इस मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा है। इसके पीछे कथा ये है, दैत्य जनों से त्रस्त त्रिमूर्ति ने कन्या रूप देवी प्रकटाई, घोर तपस्या की शक्ति रूप ने पावन भूमि मुक्त कराई, सुमेधा ऋषि ने दुर्गति पाई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। एक बार कहते हैं इस क्षेत्र में दानवों का दैत्यों का बहुत आतंक था, उनसे मुक्ति पाने के लिए त्रिदेवों ने एक कन्या को जो है प्रकटाया, जो कन्या को प्रकटाया और कन्या ने शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस पावन भूमि में, और उस कन्या ने जो है इन दैत्यों का संहार करके जो है इस क्षेत्र को मुक्त कराया था। और उन दैत्यों के साथ एक सुमेधा ऋषि भी जो थे जुड़े हुए थे, जो उनको गाइड करते थे, उसको उसकी भी बहुत दुर्गति हुई थी उस समय। जय कार्य तेरी दुर्गा दाई तेरी दुर्गा दाई जय जयकार करते हैं। प्रथम शैल पुत्री कहलाती, सात कुंड जल शिखर सजाती, हाटू सराहन श्रीखंड बद्री, बीच सभी के शिराई विराजी, कूल में पूजे शीत कुमाई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। इसको शिराई कोटी देवी को प्रथम शैल पुत्री कहते हैं। और कहते हैं, या मैंने भी देखा है, कि इसके शिखर पर जहाँ मंदिर है वहाँ पर सात जो है पत्थरों के कुंड थे बने हुए, जैसे चट्टानों को घड़ करके जो है कुंड रूप दिया होता था, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो वही लोगों के काम आता था, क्योंकि यहाँ तक कोई जल स्रोत नहीं था उस समय। हाटू सराहन श्रीखंड बद्री, इस जगह से जो है ये इस ऊंचाई से हाटू पर्वत भी दिख जाता है। सराहन का भीमा काली मंदिर भी सामने पड़ता है, श्रीखंड श्रृंखला सामने पड़ती है और बद्रीनाथ जो है उनके एक तरफ को पढ़ते हैं, और इनके बीच में जो है ये शिराई कोटी देवी जो है ये विराजी हुई है। कूल में पूजे शीत कुमारी जय कार्य तेरी दुर्गा दाई, क्योंकि इस शिखर पर जो है बहुत बर्फ पड़ती है, तो पंडित लोग जो है माता के पूजा करने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए नीचे इसके थोड़ा बेस पर जो है एक कूल गाँव है, वहाँ पर भी एक मंदिर है, तो वहाँ पर मतलब कि बर्फ के समय जो है पंडित लोग जो है माता का पूजन करते हैं, नियमित पूजन करते हैं। दंपति साधना भीतर जाते अलग अलग दर्शन सुख पाते, भाव सहित जो पुष्प चढ़ाते संतति पाने फूल हैं पाते, जो माने तेरी कृपा पाई जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। यहाँ एक परंपरा है कि दंपति जो है मतलब हस्बैंड वाइफ जो दोनों एक साथ देवी के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कन्या रूपा है, मतलब अविवाहित हैं ये,
इसलिए पति पत्नी साथ दर्शन नहीं करते, यहाँ पर जाके अलग अलग जाके दर्शन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो जिनकी जैसे श्रद्धा होती है और देवी के ऊपर से मतलब मस्तक जो फूल लग रखे होते हैं वो फूल ऊपर से गिर जाता है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपको संतान होती है। जो माने तेरी कृपा पाई, जो उस देवी को मानते हैं उसने उसकी कृपा अवश्य पाई, जय कार्य तेरी दुर्गा पाई। गोदी भर के फिर से आते, प्रथम जटा माता को चढ़ाते, हर्षित मन से कढ़ाई चढ़ाते, भगवती तेरी महिमा गाते, देवती मुख बोले माई, जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। जब उनके संतान हो जाती है तो उसके जो प्रथम जटा काटते हैं बच्चे की, तो उसको लेकर के दंपति वहाँ पर आते हैं और खूब खुशी से जो है वहाँ पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और भगवती देवी की जो महिमा गाते हैं, देव मुख बोले माई, जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। देवी जो है खुद वहाँ पर जो है मूर्ख मुख से नहीं बोलती है, नीचे एक देवती गांव है वहाँ पर जो देवता है उसके मुख से जो है वो जो भी कहना होता है देवी ने उसके मुख से कहती है। 12-20 पर बैठी त्राता, देखे सबको भगवती माता, धर्म कहे कुलजा माता, झुके स्वतः तेरे चरणों में माता, रक्षा रखना भगवती माई, जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। इस 12-20 के क्षेत्र के शिखर पर जो देवी विराजमान है वो सबको देख रही है, उस सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखती है और हमारी तो एक कुलजा है, कुल देवी है, उनके चरणों में स्वतः ही जो है सिर झुक जाता है। रक्षा रखना भगवती माई, हे माई हे भगवती हे कुलजा, हम पे रक्षा करना, जय कार्य तेरी दुर्गा दाई, जय कार्य तेरी दुर्गा दाई। धन्यवाद।